हे जी छूट गया अमृतसर का वास। हे जी छूट गया अमृतसर का वास। मारा अंब पिता और अंबली माता जिनकी हम तो आस छूट गया अमृतसर का वास। हे जी छूट गया अमृतसर का वास। अंब पिता और अंबली माता जिनकी हम तो आस छूट गया अमृतसर। हे जी छूट गया अमृतसर का वास। अंब पिता और अंबली माता जिनकी हम दो आस। अमृतसर में रहा करे थे हमारे पिताजी राजा थे और बड़े आनंद के साथ गुजारा होने लग रहा था। लेकिन एक दिन दरबारों में साधु आए और साधुओं ने हमारा पिताजी ठग लिया। कैसे ठगा? दरबारा में साधु आए ओ दरबारा में ओ साधु आए दीक्षा का सवाल किया लत्ते कपड़े तरवा लिए सब ते बुरा हाल किया आप राजा बन के बैठे मारा पिताजी कंधाल किया आप राजा बन माता पिता तो नुभाई धक्के दे के बार की कलम बच्चन भरवा ली सब दरिया लाचार की धोखा दे के राज छीन लिया धोखा दे के राज छीन लिया चाहिए ऋषि जी नाश छूट गया अमृतसर। राजपाट ले लिया हम सारे घर ते काट दिए। हम दोनों भाई मारे मात पिता चलते चलते एक बटियारी की सराय में शरण ली और के बनया उज्जैन शहर में आए पछे उज्जैन शहर में आए पछे एक नया अंदेश होया बटियारी के नौकर लागे सब ते बुरा पेश होया पत्ते लेने गए पिताजी पाछे ते यो केस होया पत्ते लेने गए पिताजी खाना लेकर बंदरगाह पे पहुंची साथ माता मारी बड़ी जहाज में सौदागर कला की हाथ माता मारी बड़ी जहाज में सौदागर।
छोड़ के उज्जैन आए। उज्जैन में बटियारी किस राय में शरण ली, बटियारी ने भी धोखा कर दिया। सौदागर की गैल मारी मां भेज दी लालच मां के, और जब पिताजी पत्ते लेके वापस आए बटियारी तो बुझण लागे। के जवाब दिया बटियारी ने, बटियारी ते बुझण लागा, ओ बटियारी ते बुझण लागा, कहां गई बच्चों की मां। बटियारी ते बुझण लागा, कहां गई बच्चों की मां। छो में आ फिर छो में आ, बटियारी बोली मेरी सराते चल जा। नीते महारे पक्की जचगी, अदम बेचारे डूबे ना। बटियारी ने निकाल दी हम सरात। चलते चलते आए बीच में नदी पड़ी, मां ते छूट गई देश भी छूट गया हमारा। बीच में नदी पड़ी, पिताजी ने नदी पार करवाने की कोशिश करी, फिर के बने हमारी गैल। बड़े बड़े दुख देखे फूट लई तकदीर, एक किनारे सरवर रोवे दूसरे किनारे नीर। न्यारे न्यारे पाट चाले रोवण लागे तनो पीर, जल की झाल एक जल की झाल इसी आई रहे। जल की झाल इसी आई रहे, चली पिता की लाश छूट गया अमृत सरे आवाज। हेजी हेजी छूट गया अमृत सरे आवाज। नदी के एक किनारे सरोवर खड़ा, एक किनारे नीर खड़ा। पिताजी बह के चले गए। पीछे से कुछ समय बाद एक धोबी और धोबण आए, बच्चों को रोता देखा, पूरा हालचाल पूछा। निसंतान थे उनकी, अपनी कोई संतान नहीं थी, भगवान की कृपा मान ली। और धोबी धोबण ने क्या करा फिर, धोबी के ने कठे करे तो भी के ने कठे करे बतड़ाए और कर ली बात। के कहन लगे, और तो भी के ने कठे करे तो भी के ने कठे करे बतड़ाए और कर ली बात। ईश्वर तमने टुकड़े देगा बेटा चलो मारे साथ। तो भी है तो भी है तुम्हारा पिता, तो पण है तुम्हारी मात। तो भी है तुम्हारा पिता, तो पण है तुम्हारी मात। तो भी है तुम्हारा पिता, तो पण है तुम्हारी मात। चंबल के कंठारे ऊपर तो भी धोपण आए भाई, अपने जी की सिड़क करके पढ़ाए लिखाए भाई। समझण जो के शाने कर दी टुकड़े सर करवाए भाई, उनका शान के भुल्या जासे आज, उनका शान के भुल्या जासे। हम उन चरणों के दास छूट गया अमृत सरे कावास। हेजी हेजी छूट गया अमृत सरे कावास। Thank you.
है और करली बात, ईश्वर तुमने टुकड़ा देगा बेटा, चलो मारे साथ। और धोबी है तुम्हारा पिता, धोबण है तुम्हारी माँ। चंबल के कंठारे ऊपर धोबी धोबण आए भाई, अपने जी की सिड़क करके पढ़ाए लिखाए भाई, और समझण जोगे शाणे कर दिए, टुकड़े सर करवाए भाई। जब इतनी कहानी दोनों भाइयों ने सुनाई, और जिस जहाज की पहरेदारी करने लाग रहे थे उसी जहाज में रानी अंबली मौजूद थी। रानी अंबली तुरंत जानगी कि तेरे बेटे सर्वर और नीर है। रानी ने योजना बनाई, सौदागर के जहाज से कुछ माल के डब्बे निकाल के बाहर फेंक दिए, और सौदागर से न्यू कहने लगी कि इन दोनों पहरेदारों ने तेरे जहाज में चोरी कर ली। सर्वर और नीर के सर चोरी का इल्जाम लगाया, अगले दिन दरबार में पेश करा गया। सजनों, जिस दरबार में पेश करा वहां के राजा उस समय राजा अंब थे। रानी ने कहा कि पहले इन दोनों पहरेदारों से वो कहानी सुनी जाए जो इनने रात को सुनाई थी। दोनों बच्चों ने डर के मारे पूरी कहानी सुनाई। राजा अंब भी जान गए कि ये तेरे बच्चे हैं, तेरी रानी अंबली है। और ठीक 12 साल बाद चारों प्राणी एक जगह हो जाते हैं। के लिखा कवि ने आखिरी बात में, इंसान घर में जितने थे, इंसान घर में बाघ सबका न्यारा न्यारा, बड़े बड़े दुख देखे साल बीते पूरे बारा दिन, लकड़िया जब पीली पट्टी किस्सा हो गया खत्म सारा, दिन लकड़िया जब पीली पट्टी किस्सा हो गया खत्म सारा, कवि ने खत्म कर दिया। लेकिन रागड़ी की चार लाइन फिर भी बच गई। तो आखिरी बात में कवि ने अपने बारे में लिखा कि जाटमेर सिंह की रचना है। मेर सिंह जी ने लिखा कि यो काम मेरे पिताजी ने पसंद नहीं था, और जब मैं लिखता लिखता टाइम हो गया के बनया फिर पिताजी बोले बात थम पढ़ना मत, मैं ना थारी सुनना चाहता।